हेलो पीओ व्यूअर्स, वेलकम टू डब्ल्यूडी चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सामने पेश करूंगा। आईजीबीटी कैसे चेक करता है इसके बारे में वीडियो। आप आईजीबीटी चेक करने का टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी ये वीडियो के द्वारा। आप वीडियो इन तक देखिए तो आपका आईजीबीटी चेक करने के कोई दिक्कत नहीं होगा। आईजीबीटी ओके एंड डैमेज आप इजी में आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं एक 25 एम्पियर 1200 वोल्ट का आईजीबीटी चेक करके देखाऊंगा कैसे चेक करता है। एक आईजीबीटी का पीसीबी है, मैं ये डैमेज हो गया था, मैं चेंज कर दिया। आईजीबीटी का 3 पॉइंट होता है। एक नंबर पिन होता है गेट, दो नंबर पिन होता है कलेक्टर, तीन नंबर पिन होता है एमिटर। मीटर का पॉट एक नंबर पिन से 2-3 है कनेक्ट करेगा तो नो रीडिंग देगा, और 2-3 पॉट के ठीक आएगा तो आप ओम्स रीडिंग शो करेगा, तब आप समझना पड़ेगा आईजीबीटी ओके है। जो दो मिडिल पिन आन थिनर पिन ओम्स कम ओम्स दिखाएगा तो वो डैमेज। देखिए वीडियो, एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम दिखा हूँ आईजीबीटी का, देख के चेक करने पड़ेगा। मीटर के कंटिन्यू रेंज में रख के चेक करने पड़ेगा। जो ये आईजीबीटी टोटली डैमेज है, ये जो कॉम्सम देखाता है गेट से कलेक्टर रीडिंग नहीं देगा, आईजीटी रीडिंग देता है, इसलिए आईजीटी डैमेज है। एक छोटा सा डायग्राम है, एक कलेक्टर से मीटर डायट लगा हुआ है, एक गेट होता है, गेट में जब पल्स आएगा तब आईजीटी ऑन होता है। गेट से पल्स आता है ये पैनल बोर्ड से एक कमेंट मिलता है, तब वो गेट ड्राइवर का ऐसे होता है, उसके पास एक पल्स आता है तब वो ऑन होता है। गेट कलेक्टर में मिनिमम वोल्टेज 320-330 होता है, होना चाहिए नहीं तो ऑन नहीं होगा। इसको हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सेंस है, वो लो वोल्ट हो जाएगा तो आईजीबीटी ऑन नहीं होगा, हाई वोल्ट हो जाएगा तो ऑन नहीं होगा, और शॉर्ट हो जाएगा तो आपका फ्यूज कट जाएगा। छोटा सा वीडियो था, अब अच्छा से थैंक यू। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत नेक्स्ट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देगा। आप देखते रहे, नमस्ते।